स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 का फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का पता होना जरूरी है, तब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। लीनियर इक्वेशन आप हमारे पास वही इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है या हाईएस्ट पावर 1 होती है। बात बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं 1 वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक नहीं। इसका वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन नहीं। अगर वेरिएबल 1 भी है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। अगर 2 वेरिएबल है तब भी उसकी अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लाजमी है कि उसकी डिग्री में हाईएस्ट पावर, डिग्री अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब वो 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 2 वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं वो इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है क्वाड से। इस क्वाड में स्क्वायर, क्वाड का वर्ड मीनिंग देखा जाए तो स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर दिया गया क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होती है, स्क्वायर होती है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डेफिनेशन तो इस तरह से होगी। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री बार बार कह रहा हूं डिग्री में हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात बात बच्चे कहते हैं कि हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, या तो वर्ड यूज कर रहे हैं हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री और हाईएस्ट पावर एक ही चीज है। हाईएस्ट डिग्री कहते हैं तो यह हम कहते हैं क्रॉस वर्ड बन जाता है। आपने कहना है या हाईएस्ट पावर या डिग्री, ये हाईएस्ट पावर या डिग्री किसी भी इक्वेशन की 2 होगी तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी और चीज क्लियर करते हैं, वो इक्वेशन और एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन आप लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर इक्वल का साइन आ, और एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर इक्वल का साइन ना आ। तो ये चीजें मैं रखनी, जब भी इक्वल का साइन हो उसको इक्वेशन पढ़ जाता है, जब इक्वल का साइन हो तो इक्वेशन पढ़ जाता है, जब इक्वल का साइन हो तो उसे एक्सप्रेशन पढ़ जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx plus c equal to 0। यहां पर एक कंडीशन है हमारे पास, a does not equal to 0, a does not equal to 0 इसलिए अगर आपके पास a 0 हो जाता है तो this mean कि a term 0 हो जाती है। जब ये वाली term 0 होगी तो फिर तो आपके पास ये लीनियर बन गया, तो लीनियर नहीं हम क्वाड्रेटिक में, तो इसलिए a does not equal to 0 एंड सेकंड कंडीशन a b c belong to real number। ये कोई से आपके पास real number, जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता देता हूं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके अंदर अगर आप कंपेयर करें, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 1 है, तो ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप लोगों के पास इसको देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ध्यान में रखें कि x से अगर बीच में पावर 1 वाली टर्म है या नहीं उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म होनी जरूरी है। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करें a को b पावर 1 वाली टर्म नहीं है तो इट्स मीन 0 एंड c इज इक्वल टू -1, तो ये भी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं हम लोग के सॉल्व कैसे किया जाता है। आप लोग जब 9th के अंदर थे तो 9th का पूरा चैप्टर आपने फैक्टराइजेशन का पढ़ा, आपने उसकी मिड टर्म रख करके भी कॉमन बनाया, आपने उसके कॉम्प्लीकेट स्केयर करके भी कॉमन बनाया, और इसके बाद आपने उसमें जो फार्मूले यूज हो रहे थे a plus b उसके बाद a minus b उसके जो भी फार्मूले यूज करके आपने उनको उस एक एक्सप्रेशन में द फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 में प्रोडक्ट फॉर्म में देखा तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। तो यहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन जो करने जा रहे हैं वो तीन मेथड से, एक मिड टर्म ब्रेक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पाते जाते हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास जो आ रहा है वो है मिड टर्म रेट। सेकंड आप लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्केल। थर्ड आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट मिड टर्म ब्रेक से कंप्लीटिंग के ना थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मिड टर्म ब्रेक आपने 9 में भी की थी। आपके लिए जो नई चीज यहां पर होगी वो होगी कंप्लीटिंग स्केयर। और थर्ड आप हमारे पास जो चीज यहां पर होगा वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपको मिड टर्म ब्रेक या उसके बाद कंप्लीटिंग स्केयर करवा देता हूं। मिड टर्म ब्रेक और कंप्लीटिंग स्केयर आप लोग सीख लेंगे। मिड टर्म ब्रेक का तरीका आप 9 में भी सीखा हुआ है एक दो पार्ट में करवा देता हूं। कंप्लीटिंग स्केयर के क्वेश्चन करवाता हूं जो आप लोगों को जहां पर आगे बसता हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसको प्लस करें या माइनस
करने से माइनस 21 एक्स स्क्वायर माने प्लस और माइनस माइनस 4 एक्स माने आपके पास ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करने से या माइनस करने से माइनस 4 एक्स है उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 एक्स स्क्वायर आए आप लोग बता सकते हैं कौन से हैं यकीनन आप लोगों के पास नंबर होगा माइनस 7 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 माइनस 4 एक्स ये हमारे पास बन गई क्या मल्टीप्लाई से आ रही थी माइनस 7 एक्स प्लस 3 एक्स 7 की जगह 21 प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स के तुम्हारे पास ये चीज बन गई हम ये दो टर्म यहाँ पे लिखते हैं माइनस 7 एक्स प्लस 3 एक्स ठीक हो गया समझ आ गई है सबको आप लोग देखें अब इसके बाद कॉमन ले लो दे तो कॉमन हमारे पास फर्स्ट दो टर्म जो है दो टर्म में देखते हैं अब एक्स आपके पास कॉमन आ गया 3x माइनस 7 इधर कुछ भी कॉमन नहीं है प्लस 1 3x माइनस 7 बाद बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करके आते हैं लेकिन यहाँ पर आगे क्लियर होना चाहिए अगर इन दोनों अंदर वाली टर्म सेम आ रही है तो आपने जो मिड टर्म रख ली वो ठीक है लेकिन अगर आपने यहाँ पर करके यहाँ पर आपको बस सेम नहीं आ रहा और बाद बच्चे यूँ भी कर रहे थे कि यहाँ पर अगर जो भी बन रहे हैं यहाँ पर सेम ही मिलते थे ये कुछ सिलेक्टर लगा के नहीं बल्कि देखते हैं कि कॉमन है एक बार कोई चीजें अंदर बन रही है तब ठीक है तो ये आप लोगों के पास इसको कर दिए अब हमारे पास होता है एक्स प्लस वन नॉन कॉमन इंटू कॉमन 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 यहाँ पर एक और बात आप लोगों को पता होगा क्या आप लोग लिखे कि हम लोग लिखते होते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 अब ये क्यों लिखते हैं क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो रही है नंबर का अगर 0 हो a डॉट b इक्वल टू 0 आएगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दो चीजें यहां पर ध्यान रखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट रियल नंबर में यस के अंदर नंबर में आप लोग इन दोनों को 0 कह सकते हो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू लेकिन अगर यहां पर अगर वेक्टर हो या आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर हो देन आप उसको ये नहीं कह सकते a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 दूसरी चीज एक और करते हैं अगर a डॉट b इज इक्वल टू कोई नंबर मीन 3 तो आप ये नहीं कह सकते कि a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 3 ये आप लोग नहीं कह सकते ये तब इक्वल है जब डॉट चिन्ह पर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा तो आप लोग कह सकते हैं a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0 तो यहां पर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं x प्लस का शिफ्ट हो गया x इक्वल टू माइनस 1 3x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 3 को बोथ साइड डिवाइड कर दें x इक्वल टू 7 बाय 3 आप लोगों के पास रूट आगे सॉल्यूशन सेट पे लिखेंगे माइनस 1 और 7 बाय 3 हम इनको रूट भी कहते हैं सॉल्यूशन सेट पे लिखते हैं रूट वही होते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं एक चीज और बता दें जब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसका एक आंसर होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो क्यूबिक है तीन मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन आपके पास होंगे और सॉल्यूशन सेट में वही लिखा जाता है जो उसको ओबे करे जो उसको वेरीफाई करे वही आपका सॉल्यूशन सेट है अगर आपके पास वो ओबे नहीं कर रहा उसका सॉल्यूशन सेट नहीं यहां पर आप वो वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मस्ट टू आंसर आने तो टू आंसर हमारे पास दोनों ही इसके रूट होते हैं हां पास अगर हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती अंडर रूट उसमें हम लोग सॉल्व करते हमारे पास दो आंसर आ रहा लेकिन वहां पर एक एक्सटेंशन का अगर दोनों उसको बेन नहीं कर रहे इसलिए वहां पर हम लोग चेक करते हैं लेकिन यहां पर हम चेक करने की जरूरत नहीं होती तो ये हम लोग के पास आ गया सॉल्यूशन सेट माइनस 1 और 7 बाय 3 इसके बाकी पार्ट आप लोग जितने भी हैं दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपने इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लें स्क्वायर ओपन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इसको देखें तो x * 3x - 5 * x - 6 x - 7 इसमें भी आप लोगों ने क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख के देन आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करके अगर आप समझ होगा तो मुझे बता दें और ये चीज आप लोगों के पास होगी फैक्टराइजेशन अब आप लोग को मैं लेके चलता हूं आगे तो देखें स्क्वायर पर कब देखें स्क्वायर कब देखें स्क्वायर आप लोगों के पास कब देखें स्क्वायर कब देखें स्क्वायर के स्टेप आप लोगों ने जहन में मस्ट रखने हैं कब देखें स्क्वायर के स्टेप्स जहन में कैसे रखते हैं मैं उसको बगैर
और राइट हैंड साइड। पहला स्टेप जो आपने करना है वो करना है कांस्टेंट टर्न शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पर। दूसरा स्टेप आपने जो करना है वो क्या है, वो आपके पास हो जाएगा डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मीन आपके पास एक्स के साथ नंबर है उसको आप लोगों ने बोथ साइड पर डिवाइड करने कोफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं वो आपके पास कोफिशिएंट मिलाते हैं। ये देख सकते हैं 3x के ये कोफिशिएंट होता है, ये बेस होती है और ये एक्सपोनेंट होती है, पावर भी होती है। इसको आप लोग इंडेक्स भी कह सकते हैं। तीन स्थिर पावर के नाम है, पावर एक्सपोनेंट और इंडेक्स। आप डिवाइडिंग कोफिशिएंट आप एक्स के नाम बोथ साइड सेकंड स्टेप आपका थर्ड स्टेप आप करते हैं स्केलिंग हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपने कोफिशिएंट जो एक्स को होगा उसका हाफ करना है। बता तो कैसे हाफ करना है, हाफ कर दें और उसको क्या कर दें ऐड सम एक्स के अलावा बोथ साइड उसका स्केयर लेके सम कर देते हैं बोथ साइड पर। इसके बाद क्या करते हैं चौथा स्केयर सिंपलीफाई सिंपलीफाई कर देना आप लोगों ने किसको दी राइट हैंड साइड। फिफ्थ स्टेप में आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्लीटिंग स्केयर बन रहा है और लास्ट स्टेप में आप लोग से क्या कर रहे हैं टेकिंग स्केयर एंड सॉल्व फॉर एक्स। ये इसके छह स्टेप आप लोगों ने देखने और छह स्टेप को देखते हुए आपको बने इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपके पास ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगी तो आप लोगों ने क्या करना है पहला स्टेप उसको करना है उसके साथ जो कांस्टेंट है मतलब तीन आप लोगों के पास टर्म होती है, एक क्वाड्रेटिक टर्म होती है, एक लीनियर टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। दूसरा आपने क्या करना है डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड मतलब x के साथ नंबर है उसको आपने बोथ साइड पर डिवाइड कर देना है। तीसरा आपने क्या करना है x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हाफ करने के मेथड का हाफ ऑफ कोफिशिएंट करके उसका सम स्क्वायर कर देना मतलब उसका स्क्वायर लेके एक साइड पे ऐड कर देना और दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर। फिर आपने क्या करना है सिंपलीफाई द राइट हैंड साइड, आपने राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों के पास बोथ स्क्वायर वाला कंप्लीट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
जी अब आप हमारे पास कंप्लीट के भी क्वेश्चन पीछे पार्ट है, इसमें से मैं आपको करवाने जा रहा हूं फोर पार्ट। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट फोर्टी इक्वल टू जीरो। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा काम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये स्टेप बताए हैं, स्टेप से जरूरत है ना आपको क्वेश्चन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब फर्स्ट स्टेप में लिखा होगा कांस्टेंट शेप तो राइट हैंड साइड में साथ लिखते जा रहा हूं फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और ये कांस्टेंट है शिफ्ट करते राइट हैंड साइड पे तो ये शिफ्ट हो गया माइनस दस एट फोर्टी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है फाइव, इस टर्म में क्या कर देते हैं बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये कैंसिल हो गया तो वन सिक्स ठीक है ठीक हो गया। देन हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स के साथ जो नंबर है उसको हाफ करना है टू का, आप सबको पता है ना फोर का पता है टू के सिक्स का पता है थ्री, लेकिन अगर आप लोगों के पास था थ्री बाई टू तो आप लोग हाफ कैसे करना है हाफ करने के लिए मशीन याद रखते हैं कोई भी नंबर हो उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं उसका हाफ हो जाएगा इसका हाफ बनता है थ्री बाई फोर। अगर मेरे को फोर का हाफ करूँ तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई करूँ फोर का हाफ टू, अगर मेरे को सिक्स का हाफ करूँ अगर मैं कहूँ टू बाई थ्री का हाफ करूँ तो ये हाफ करने का तरीका आपने उस नंबर को ये सिर्फ नंबर है ये तो नहीं मैंने साथ जो बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट का हाफ करें टू को हाफ करने के लिए मैंने क्या किया कि उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वन आ गया। अब हाफ आ गया उसका हमने क्या करना है सम करके स्क्वायर ऑन बोथ साइड ठीक हो गया जो हाफ आपके पास आ जाएगा वो सेट सर्फ स्केल पे सेट कर कर यहां पर मैंने आपको कहा था कि सेट पे फार्मूला बन रहा होगा कैसे फार्मूला बन रहा आप करने की जरूरत है फिर सिर्फ बता देता हूं फॉर एग्जांपल ए का स्केल प्लस बी का स्केल माइनस 2 ए बी ये बन रहा है टू बन रहा है टू एक्स ये चीज बन रही तो ये क्या होता है एक्स माइनस वन का और स्केल ये सेव आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि बस अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा यहाँ प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू 168 प्लस वन का स्केयर वन एक्स माइनस वन का स्केयर अगला स्टेप चल रहा है कि सिंपलीफाई और राइट हैंड साइड चौथा स्टेप 169 पांचवा स्टेप पे तो आप अपने पास क्या कर रहे हैं टेकिंग स्केयर टेकिंग स्केयर रूट स्केयर रूट आपको तो जब लेना है स्केयर रूट तब दिया जाता है आपको उसके रूट इसलिए जाते हैं कि उसके रूट की जो वैल्यू है वो 1 बाय 2 के रूट टू से कैंसिल हो जाते हैं x माइनस 1 ये स्केयर रूट से कैंसिल और 169 इसका स्केयर रूट 7 के अंदर आई थिंक आप लोग सारे स्केयर और स्केयर रूट और क्यूब और क्यूब रूट पढ़ के आते हैं तो 169 का स्केयर रूट का मुझे पास आता है 13 साथ में लिखूंगा प्लस r माइनस यहां पर एक और चीज आपको बताने की जरूरत है जो आपको वो शायद बताई जाती है आप भूल जाते हैं बताई नहीं जाती अब प्लस माइनस लगाएंगे अब बचे गए तो हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं पहली चीज तो यहाँ सामने बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम लोग प्लस माइनस निकालते हैं तो हमारे पास एक ही आंसर आता है। अब बस जब हम प्लस माइनस निकालते हैं बस जब प्लस माइनस निकालते हैं हमारे पास दो किस्म के रूट कौन कौन से रूट होते हैं एक हमारे पास होता है जनरल रूट और एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल रूट एक होता है जनरल रूट एक होता है प्रिंसिपल रूट। अब जनरल रूट ये जो आप लोग कह रहे हैं जिसमें आप लोगों ने किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है वहां पर आप लोगों ने प्लस माइनस प्लस निकालना होता है क्योंकि आपके ये दोनों सॉल्यूशन भी हो सकते हैं प्लस वाला भी हो सकते हैं माइनस वाला भी हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं ये एक होगा एक होगा इसलिए हम लोग कहते हैं प्लस और माइनस। जबकि आप लोगों के पास प्रिंसिपल रूट क्या होता है प्रिंसिपल रूट आप लोगों के पास अगर मैंने कहा है 49 का स्क्वायर रूट अब आप लोगों के पास ऑप्शन हो a 7 b minus 7 c plus minus 7 बच्चे इसको टिक करेंगे हालांकि ये क्रॉस है क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल रूट है ये नंबर की बात कर रहा हूँ नंबर यहाँ पर नेगेटिव की बात हो रही है
आपको के पास प्रिंसिपल रूट आपके पास प्लस 7 होगा। तो ये चीजें रहती है, हम अनोन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। हमारा तो मस्ट बी प्लस माइनस लगाना जरूरी है। हम पास का तैयार अपने पास बनाने के लिए तरीके लगाना होता है। और जब आपके पास प्रिंसिपल रूट होते हैं सिर्फ नंबरों की बात होती है, जैसे हम ग्रेविटेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं कि x वैल्यू 3 आ गया, इक्वेशन में जाकर उसकी वहां पर हम प्लस से चल रहे हैं, हम रूट चल रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लगा रहे। ये आप लोग ने आपके पास आ गए कंटिन्यूस केयर। इसके भी मुख्य क्वेश्चन आप हमने कर दें, जो क्वेश्चन आपसे ना हो